गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। ठीक है, तो आज हम फिर जो है मैट इसके टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, तो इसमें आता है फर्स्ट, इसमें आता है प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिक्स में क्या आता है, लेट के इक्वल टू ए आई जे एम क्रॉस पी, या एम क्रॉस पी एक मैट्रिक्स है, एक बी इक्वल टू क्या है, बी इक्वल टू बी आई जे, ये है पी क्रॉस एन, देन द प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्रिक्स ए पी इक्वल टू, ए पी इक्वल टू क्या होगा, किसका ऑर्डर क्या होता है, अगर अगर दो मैट्रिक्स हैं ए इक्वल टू ए आई जे एम क्रॉस पी, यानी एम क्या है रो पी कॉलम, बी जो दूसरी मैट्रिक्स है अदर मैट्रिक्स बी आई जे इन पी इन विच देयर पी क्या है रो एंड सी क्या है कॉलम, बताया था ना ये रो एंड कॉलम रामचंद्र जी आर सी आर क्रॉस सी आर क्रॉस यानी रामचंद्र जी का जो ये ऑर्डर है वह दैट इज कॉल्ड टू द मैट्रिक्स ऑर्डर आर मीन्स रो दैट सी इज कॉलम हेयर इज एम रो पी कॉलम इन विच बी मैट्रिक्स पी रो एंड एम कॉलम इफ देयर आर टू मैट्रिक्स इन सच दैट द प्रोडक्ट विल बी एग्जिस्ट इफ देयर इज फर्स्ट रो द इन द फर्स्ट मैट्रिक्स क्या कॉलम एंड सेकेंड रो आर इक्वल एंड द प्रोडक्ट विल बी एम क्रॉस एन ऑर्डर द प्रोडक्ट विल बी एन क्रॉस एन फॉर द इट इज द सफिशियंट कंडीशन फॉर टू मैट्रिक्स दैट द फर्स्ट मैट्रिक्स रो कॉलम एंड सेकेंड मैट्रिक्स रो नंबर ऑफ रो विल बी इक्वल इन विच द फर्स्ट मैट्रिक्स रो कॉलम इज पी सेकेंड इज रो देर आर इक्वल देन such that AB exists. AB exists is equal to AB is equal to order will be M cross N. First row का होगा second का column. ये जो है इसका order होगा. If there are two matrix, if there are two matrix A and B, if there are the exist, if there exist, there exist, there exist क्या जा? AB कर जा. If there exist three AB. It is not necessary, it is not necessary, there will be exist BA. BA may be or may not be. BA, the product of two matrix here, if there is two matrix, A and B, if there exist AB, AB means number of first column second row is equal then AB exists hai. There will be necessary no need necessary ki BA may be or may not be exist ye condition hai kya hoti hai acha aur kya hota hai bhai agar koi A square hai A square ko kya likh sakta hu main is tarah A cross N if A is any matrix then A square will be A square is equal to A multiply A and A की power N will be A multiply A multiply A up to N time. मान लिया कोई A matrix है तो A square क्या हो जाएगा A multiply A A की power N जगह A multiply A up to N times ये इसकी product हो जाती है ठीक है और इसका जैसे एग्जाम्पल अगर इसको लेना है जैसे ए इक्वल टू जैसे एक एग्जाम्पल है ये इसका मैट्रिक्स का ए इक्वल टू मैट्रिक्स है ए इक्वल टू टू ए इक्वल टू टू वन थ्री 213 माइनस 321 माइनस 321 या माइनस 101 एक तो यह है मैट्रिक्स और एक और मैट्रिक्स है बी है गिवन है बी क्या मैट्रिक्स है मान लिया बी मैट्रिक्स है कौन क्या है बी मैट्रिक्स है
1 2 2 1 1 2 2 -1 4 3। इनका ऑर्डर देख लेंगे क्या ऑर्डर है इसका। उसका ऑर्डर है 3 रो है, 3 कॉलम है, तो 3 बाई 3 3 बाई 3 है। इसका ऑर्डर कितना है, 3 रो है और कितना है, 2 कॉलम है, 3 बाई 2। इन विच वी हैव ए इन ए मैट्रिक्स हैव ऑर्डर 3 बाई 3, बी मैट्रिक्स हैव 3 बाई 2। इन विच द फर्स्ट मैट्रिक्स हैव कॉलम इज 3 एंड सेकेंडरी रो इज 3 कॉमन इज इक्वल, देन ए बी ऑर्डर भी 3 बाई 2 एंड ए बी विल बी एग्जिस्ट, ए बी विल बी एग्जिस्ट होगा और ए बी का ऑर्डर नहीं, द प्रोडक्ट ऑफ ए बी, द ऑर्डर ऑफ ए बी मैट्रिक्स कितना होगा भैया इसका, ये होगा 3 बाई 2 होगा, 3 बाई 2 होगा। इसका ऑर्डर कितना होगा, 3 बाई, ये 3 बाई 2 होगा। इस तरह के ये हम निकाल लेते हैं, ठीक है, आगे बढ़े। अभी की कुछ प्रॉपर्टी भी है, इफ क्या है, इफ ए इफ ए इज थीमेटिक मैट्रिक्स, थीमेटिक मैट्रिक्स इज देन ए की पावर एन विल बी सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू एन, फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू एन, फॉर एन, एन जो है एन नेचुरल नंबर है, फॉर एन बिलोंग्स टू एन, यानी कि इफ इफ ए इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ, इफ ए इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स देन ए की पावर एन विल बी सिमेट्रिक मैट्रिक्स फॉर एन, एन बिलोंग्स टू एन, ठीक है भाई। अच्छा, अब अगर इफ ए इज क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स देन ए की पावर 2n इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ए की पावर 2n सिमेट्रिक, या ये कह सकते हैं ही कैन से ए की पावर इवन, ए की पावर n इवन और इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स, व्हाइल ए की पावर 2n+1, ए की पावर 2n+1 विल बी इस क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सिमेट्रिक और ए की पावर और, ए की पावर और इफ क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। देखो क्या है सवाल, ये सवाल है इफ ए इफ ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ ए की पावर एन विल बी सिमेट्रिक, अगर ए कोई सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो ए की पावर कुछ भी कर देंगे तो वो जो है एन क्या है नेचुरल नंबर, फॉर एन ए नेचुरल नंबर, ए की पावर एन will be to the symmetric matrix. If A is skew symmetric, then if A is skew symmetric, then A की power odd, A की power odd or even, A की power 2n, 2n का जितनी भी even power होंगी, A की all power of A to even power will be to the symmetric matrix. Similarly, the matrix of all odd number will be to the skew symmetric. ठीक है भाई। अच्छा, अब आगे क्या है, इफ
क्या है आगे? इफ ए इज डायगोनल ए वन ए टू ए थ्री अप टू एंड ए एन, इफ ए इज द डायगोनल मैट्रिक्स ऑफ ए वन ए टू एंड बी एंड बी इज इक्वल टू डायगोनल बी वन बी टू बी थ्री एंड बी एन, ये कोई मैट्रिक्स है, ये कोई दो मैट्रिक्स है, देन ए बी इक्वल टू डायगोनल ऑफ ए वन बी वन ए टू बी टू ए थ्री बी थ्री एंड ए एन बी एन, यानी ए के जो एलिमेंट है डायगोनल एलिमेंट है कि ए वन ए टू एंड थ्री डायगोनल है, ये बी क्या है डायगोनल ऑफ बी वन बी टू, देन द प्रोडक्ट ऑफ ए बी विल बी डायगोनल ऑफ ए वन बी वन क्रोस्पॉन्डिंग एलिमेंट की प्रोडक्ट के इक्वल होता है, ठीक है भाई। आगे बढ़े, इफ ए इज एनी स्क्वायर मैट्रिक्स, इफ ए इज एनी स्क्वायर मैट्रिक्स, इफ ए इज एनी स्क्वायर मैट्रिक्स देन मैट्रिक्स पॉलीनोमियल इज डिफाइंड एज, देन इफ ए इज एनी स्क्वायर मैट्रिक्स देन द मैट्रिक्स ऑफ पॉलीनोमियल इज डिफाइंड एज एफ इज इक्वल टू, क्या होता है ये एफ, ए इज इक्वल टू एफ ए इज इक्वल टू ए नॉट, क्या रहता है एफ इक्वल टू ए नॉट आई प्लस ए वन ए प्लस ए टू ए ए का स्क्वायर प्लस ए थ्री का क्यूब ए एन ए पावर एन, ये कोई क्या है, इफ ए इज एनी मैट्रिक्स, इफ ए इज एनी स्क्वायर मैट्रिक्स है देन द मैट्रिक्स पॉलीनोमियल ऑफ ए डायगोनल डिफाइंड एज द एफ ए इक्वल टू ए नॉट आई, क्या जाएगा ए नॉट आई प्लस ए वन ए प्लस ए टू का स्क्वायर प्लस ए थ्री का क्यूब प्लस ए एन ए की पावर एन, ठीक है भाई। अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है, क्वेश्चन क्या है, मैट्रिक्स एंड मैट्रिक्स ए हैव, मैट्रिक्स ए हैव एम रो एंड एन प्लस फाइव एम कॉलम, एम रो एंड एन प्लस फाइव कॉलम, एम रो एंड एम फाइव एम कॉलम्स, मैट्रिक्स बी हैव मैट्रिक्स बी हैव एम रो एंड इलेवन माइनस एम, क्या है एन रो क्या रखता है ये एम रो
एंड 11 माइनस एन कॉलम्स, एम रो एंड 11 माइनस एन कॉलम्स, 11 माइनस एन कॉलम्स, ठीक है। देन इफ देर आर बोथ एग्जिस्ट ए बी एंड बी एस, इफ देर आर बोथ एग्जिस्ट ए बी एंड बी ए, प्रूव दैट ए बी एंड बी ए आर, प्रूव दैट ए बी एंड बी ए आर स्क्वायर मैट्रिक्स, प्रूव दैट ए बी एंड बी ए आर देखो भाई क्या सवाल है, ये क्वेश्चन है, ये क्या क्वेश्चन है, ये मैट्रिक्स ए हैव द एम रो एंड एन प्लस वाई एन कॉलम, एक मैट्रिक्स है जिसके अंदर m रो है एंड n फलम फाई m क्या है कॉलम है। सिमिलरली मैट्रिक्स b है m रो एंड 11 माइनस n कॉलम है, m तो रो है और इसके और देर आ रहा है और शर्त दे रखी है, गिवन कंडीशन है कि दोनों बोथ एग्जिस्ट है ए बी एंड बी ए आर एग्जिस्ट, प्रूव दैट ए बी एंड बी आर है स्क्वायर मैट्रिक्स, प्रूव करना है कि ए बी और बी ए जो है वो है। अच्छा जी, अब अगर इफ ए बी एग्जिस्ट करता है, पहली कंडीशन है इफ ए बी एग्जिस्ट, इफ ए बी एग्जिस्ट करेगा तो जो इसका जो ए का जो कॉलम है, ए का जो कॉलम है इसके रो के इक्वल हो जाएगा, इसके रो के इक्वल हो जाएगा, क्या जाएगा इसके रो के इक्वल हो जाएगा, यानी पहले का कॉलम दूसरे रो का, इफ ए बी एग्जिस्ट तो क्या आएगा एन प्लस फाइव इक्वल टू एन, जो फर्स्ट कंडीशन आ गई भैया। सिमिलरली बी ए बी एग्जिस्ट है बोथ ए बी एंड बी आर, इफ बी ए एग्जिस्ट, इफ बी ए एग्जिस्ट, इफ बी ए एग्जिस्ट है बी ए एग्जिस्ट है तो क्या जाएगा ये, यानी इसके जो कॉलम है और इसके रो इलेवन क्या जाएगा इलेवन, ये एम ही आ जाएगा, इलेवन माइनस एम इक्वल टू एम, यानी भाई जब बी ए निकाल लूंगा तो बी ए का क्या आ जाएगा इसका कॉलम इसकी रो एक, दोनों से कंडीशन है ये दोनों की, ये इसकी आर एल एच एस आर एच एस बराबर है ये इसकी एम, तो इनकी एल एच एस किसी इक्वल होगी, क्या जाएगा एन प्लस फाइव इक्वल टू इलेवन माइनस एम, एन माइनस इलेवन तो क्या जाएगा ये एन प्लस एन इक्वल टू इलेवन माइनस फाइव, इधर टू एन इक्वल टू सिक्स, एन इक्वल टू सिक्स बाई टू, एन इक्वल टू थ्री, एन इक्वल टू क्या आएगा थ्री, जब एन इक्वल टू थ्री है, इफ एन इक्वल टू थ्री है और एम की वैल्यू क्या आ जाएगी यहां पे एट, एम की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहां पे एट, एम इक्वल टू क्या आएगा एट, तो ए का जो मैट्रिक्स का ऑर्डर है, ए का ऑर्डर कितना है, ए का ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स, ए मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना आ गया, ये क्या एम क्रॉस ए, यानी एम कितना है एट क्रॉस इलेवन, ये ना एट क्रॉस इलेवन, ये फाइव प्लस थ्री एट क्रॉस एट क्रॉस एट, इसी ऑर्डर ऑफ बी मैट्रिक्स, बी मैट्रिक्स का क्या जाएगा ऑर्डर भैया, इसका जाएगा एम क्रॉस एम, एम की वैल्यू कितनी है एट, एट क्रॉस इलेवन माइनस थ्री, इलेवन माइनस थ्री एट, तो एट क्रॉस ए, इफ ए इज ए क्रॉस ए, एट क्रॉस एट बी एट क्रॉस एट, इट इज ऑल्सो
स्क्वायर मैट्रिक्स देन द ऑर्डर ऑफ ए बी, ए बी इक्वल टू सी, एट क्रॉस एट इन बीच का आठ, इसका आठ इक्वल है तो ये बच्चा वही है। सिमिलरली ऑर्डर ऑफ बी है, ऑर्डर ऑफ ए बी, इसमें क्या ऑर्डर ऑफ बी ए विल बी एट क्रॉस एट। तो हैंस ये क्या है कि इसका अगर मैट्रिक्स का ऑर्डर जो है एट क्रॉस ए, बाई चांस का ए का भी ऑर्डर एट क्रॉस ए है, बी का भी एट क्रॉस ए है, ऑर्डर ऑफ ए बी भी एट क्रॉस ए होगा और बी ए भी एट क्रॉस एट होगा। ठीक है भाई, ये मैट्रिक्स वो थी, एक का एम ये थी, वो ये थी, दूसरे की ये थी, ये दोनों में ए बी और बी एग्जिस्ट थी। प्रूव करना था कि ये दोनों मैट्रिक्स जो है क्या है, दोनों मैट्रिक्स क्या है, ये प्रूव करना था ये कि ये जो है ये दोनों जो है वो होंगे। ठीक है भाई, आई बात में। ठीक है भाई, आगे आगे बढ़े भाई। ये क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई जेड, क्या है फाइंड द वैल्यू ऑफ, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई जेड, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई जेड इफ द मैट्रिक्स, इफ इफ द मैट्रिक्स, इफ द मैट्रिक्स of A is if the matrix of A is क्या है 0, 2y and that G is xy minus z, xy minus z C is x minus y z ये a इज तो 0, 2y z, b एक्स वाई माइनस z, x माइनस वाई माइनस z सेटिस्फाई द इक्वेशन, सेटिस्फाई द इक्वेशन a की पावर t a इक्वल टू i, a की पावर t a इक्वल टू i। देखो भाई ये कोई मैट्रिक्स है, इसमें ए गिवन है, इसकी एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालनी है और गिवन कंडीशन है ए की पावर ए टी मल्टीप्लाई ए की पावर टी ट्रांसपोज ऑफ ए, ट्रांसपोज ऑफ ए पहले निकाल दूंगा मैं, ट्रांसपोज ऑफ ए, ए की पावर टी, ए की पावर टी में क्या आ जाएगा भैया, ये क्या जाएगा 0, इसका ट्रांसपोज निकाल दूंगा भाई, ये खड़ी है तो पड़ी पड़ी है तो रो को कॉलम, कॉलम को रो में चेंज कर लेंगे, क्या जाएगा 0, 2y z, इधर क्या जाएगा एक्स वाई माइनस जेड, फिर क्या जाएगा एक्स माइनस वाई ये जेड, ये एक पावर टी आ गया है भैया, ये गया ए, ये ए की पावर टी। अब इनका क्या करता हूं मैं, इनका क्या कर लू, प्रोडक्ट कर लू, क्या कर लू मैं, ए की पावर टी मल्टीप्लाई ए, ए की पावर टी की वैल्यू क्या है 0 एक्स जीरो
एक्स टू वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड जेड और इधर क्या आ गई है, जीरो जीरो टू वाई जेड एक्स वाई माइनस जेड एक्स माइनस वाई जेड किया ठीक है भाई। अब क्या करा मैंने इसको, अब इसकी प्रोडक्ट कर लेता हूं मैं, किसको प्रोडक्ट करते हैं यानी कि इसकी रो और इसके कॉलम में, इसकी रो इसके कॉलम में, फिर क्या कर देते हैं इसकी रो इसका कॉलम, इसकी रो इसका कॉलम, ये करता हूं नहीं मैं, और क्या आ जाता है भाई ये। अच्छा और ये गिवन है, ये क्या गिवन है, ये गिवन भी है आई के बराबर, ये गिवन के बराबर है आई, आई का मतलब ये कितने की है क्रॉस मैट्रिक्स थ्री बाई थ्री की, ये कितने की है थ्री बाई थ्री की आई है, तो यानी कि आई का मतलब होता है डायगोनल पे वन वन एलिमेंट और बचे ठीक है भाई। अच्छा अब इसकी क्या कर लेता हूँ मैं क्रॉस में मल्टीप्लाई, इसकी मल्टीप्लाई कर लेता हूँ किस फॉर्मूले से मल्टीप्लाई, जीरो की क्या जाएगा, ये क्या जाएगी जीरो की, जीरो में क्योंकि जीरो प्लस इस एक्स की एक्स में क्या जाएगा एक्स स्क्वायर, फिर एक्स की एक्स में प्लस के एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स स्क्वायर, फिर इसी की इसमें जीरो की मल्टीप्लाई जीरो में जीरो एक्स की वाई में एक्स वाई एक्स वाई माइनस से एक्स, फिर इसी तरह क्या जाएगा ये, फिर इसी तरह क्या जाएगा इधर क्या जाएगा ये जीरो की जीरो में एक्स की जेड में माइनस एक्स जेड प्लस की एक्स जेड क्या जाएगा एक्स जेड माइनस से एक्स जेड ठीक इसी तरह से। अब इसके टू वाई की जीरो में जीरो वाई की एक्स एक्स वाई और वाई की माइनस एक्स माइनस एक्स वाई क्या जाएगा एक्स वाई माइनस के एक्स वन, फिर इसी की इसमें क्या जाएगा टू वाई की वाई में फोर वाई स्क्वायर, टू वाई की वाई में वाई स्क्वायर, वाई की वाई में वाई स्क्वायर, वाई की वाई में वाई स्क्वायर और माइनस वाई की वाई में टू वाई की वाई में टू वाई फोर वाई स्क्वायर, वाई की वाई में वाई स्क्वायर, वाई की वाई की वाई में माइनस के वाई स्क्वायर। अच्छा सिमिलरली अब इसी तरह क्या टू वाई की जेड में टू वाई जेड टू वाई जेड प्लस अब वाई की जेड में माइनस के वाई जेड माइनस के वाई जेड माइनस के वाई जेड और फिर माइनस के वाई की जेड में माइनस के वाई जेड ठीक है। अच्छा जी अब क्या जाएगा ये जेड की जीरो जेड की एक्स मा जेड एक्स अरे जेड की जेड मा जेड एक्स क्या जाएगा माइनस के एक्स जेड प्लस के एक्स जेड। अब इसकी इसमें क्या जाएगा जेड की दो वाई जेड माइनस के वाई जेड माइनस के दो वाई जेड क्या दो वाई जेड माइनस के वाई जेड माइनस के वाई जेड। सिमिलरली इधर क्या जाएगा ये जेड की इसमें जेड स्क्वायर माइनस के जेड स्क्वायर और माइनस के
जेड स्क्वायर क्या जेड स्क्वायर देखो जेड स्क्वायर माइनस के जेड स्क्वायर प्लस के जेड स्क्वायर ये आपको ठीक है भाई। अभी से क्या कर लेता हूं मैं, यहां यहां लिख देता हूं मैं, देखो अभी को सोल्व करेंगे क्या जाएगा यहां से, ये कितना जाएगा ये यहां प्लस के वाइस पे। अच्छा एक्स स्क्वायर कितना जाएगा, टू एक्स स्क्वायर कितना जाएगा, टू एक्स स्क्वायर कितना जाएगा, ये टू एक्स स्क्वायर ये जीरो ये भी जीरो, अब क्या जाएगा यहाँ, ये भी जीरो माइनस ये भी जीरो, चार वाई स्क्वायर पांच वाई स्क्वायर छह वाई स्क्वायर टू वाई दैट माइनस वाई दैट ये भी जीरो, ये क्या जाएगा टू वाई दैट माइनस वाई दैट ये भी जीरो, और ये क्या जाएगा प्लस के जेड स्क्वायर माइनस के जेड स्क्वायर खाली क्या जाएगा, ये क्या जाएगा भैया, ये है ना जेड प्लस जेड, ये प्लस जेड स्क्वायर जेड स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर कितना गया थ्री जेड स्क्वायर, थ्री थ्री जेड स्क्वायर, और ये कहेगी कुल हो गया हो गया वन जीरो 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 वन जीरो जीरो वन जीरो, जब भी दो मैट्रिक्स इक्वल हैं तो इसके कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी लिखोगे, ये टू एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वन क्या आ गया, टू एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वन क्या आ गया यहाँ से, ये क्या आ गया यहाँ से टू एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ गया यहाँ से, टू एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वन क्या आ गया यहाँ से, टू एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वन इट इम्प्लाइज दैट एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वन अपॉन टू एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस वन अपॉन एक्स इक्वल टू प्लस माइनस, सिमिलरली सिक्स वाई स्क्वायर इक्वल टू वन, सिमिलरली सिक्स वाई स्क्वायर इक्वल टू वन इट इम्प्लाइज दैट वाई इक्वल टू प्लस माइनस वन अपॉन रूट सिक्स एंड जेड इक्वल टू प्लस माइनस रूट थ्री एंड जेड इक्वल टू एक्स की वैल्यू क्या आ गई यार, ये एक्स की वैल्यू क्या आ गई, एक्स की वैल्यू प्लस माइनस वन अपॉन रूट टू, वाई की वैल्यू कितनी आ गई प्लस माइनस वन अपॉन रूट सिक्स, और जेड की वैल्यू आ गई प्लस माइनस वन अपॉन रूट सिक्स वन अपॉन रूट सिक्स, एक्स की वैल्यू जो आ गई वाई की वैल्यू जो आ गई और जेड की वैल्यू ये आ गई, आगे बात समझे भाई आगे बढ़े। देखो क्या था ये कि एक ही मैट्रिक्स दे रखी थी फोर ऑफ द वैल्यू ऑफ एक्स वाई जेड की, ये कंडीशन को सेटिस्फाई कर रही है ए की पावर टी ए इक्वल टू आई, तो इसका एक पावर टी है ट्रांसपोज, इसका ट्रांसपोज कर लिया, इसका ट्रांसपोज से इसका क्या लिखा प्रोडक्ट ले लिया, प्रोडक्ट में क्या होता है पहली ये रो लेके इस कॉलम में मल्टीपल, फिर इसमें मल्टीपल, फिर इसमें पहली की रो के यहाँ लिखा फिर यहाँ, फिर सिमिलरली दूसरी रो के जब दूसरी रो के कोरस्पॉन्डिंग में मल्टीपल करेंगे ये कहाँ आएगा इसकी इसके कॉलम के साथ यहाँ जाएगा, इसकी इसके कॉलम के साथ कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट यहाँ जाएगा, फिर इसके यहाँ के साथ ये यहाँ जाएगा ठीक, तो इसी तरह से ये कर लिया, ये करके क्या आ गया यहाँ आ गया, इफ टू मैट्रिक्स आर इक्वल देन देयर कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट विल बी इक्वल, तो एक्स टू एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या आ गया वन, एक्स इक्वल टू क्या आ गया प्लस माइनस अपॉन रूट टू, वाई स्क्वायर इक्वल टू क्या आ गया वन, तो वाई निकल तो प्लस माइनस सी अपॉन रूट सिक्स, सिमिलरली इस तरह ही हमारी वैल्यू निकल जाती है ठीक है भाई, तो एक्स इक्वल टू क्या आ गया प्लस माइनस वन अपॉन रूट टू, वाई इक्वल टू प्लस माइनस रूट सिक्स, और जेड की वैल्यू क्या आ गया प्लस माइनस रूट थ्री, आगे बैठे भाई।
एक और क्वेश्चन है ये, ठीक है, इफ ए इक्वल टू पी इफ ए इक्वल टू पी क्यू 0 1 एंड देन शो दैट ए की पावर एन इक्वल टू Then show that a की पावर n इक्वल टू, a की पावर n इक्वल टू क्या है, p का स्क्वायर p की पावर 8, p की पावर 8 जीरो वन पी की पावर 8 माइनस 1 क्यू पी की पावर 8 माइनस 1 क्यू पी की पावर 8 माइनस 1 अपॉन पी माइनस वन। ये कोई मैट्रिक्स, ये कोई मैट्रिक्स है, ए की वैल्यू क्या है, पी क्यू 0 1 है, एलिमेंट दिए हुए हैं, पी की स्क्वायर 1 क्यू पी की पावर 8 माइनस 1 अपॉन पी माइनस 1 ए की पावर एन, ए की पावर नहीं, ए की पावर 8, ए की पावर 8। अब इसका क्या निकालता हूं मैं, पहले मुझे ए स्क्वायर निकाल लू, क्या निकाल लू मैं इसका, ए स्क्वायर निकाल लू, क्या निकाल लू मैं इसका, ए स्क्वायर। ए स्क्वायर क्या है, कि क्या है भैया, ए मल्टीप्लाई ए भी बताया था मैंने अभी जस्ट बिफोर सम टाइम्स, ए स्क्वायर इक्वल क्या आता है, ए मल्टीप्लाई ए, ठीक। अब ए की वैल्यू क्या रखते हैं, यहां पे ए की वैल्यू पी क्यू 0 1, बी की वैल्यू क्या आ गई थी, और पी क्यू 0 1, ठीक से क्या कर देता हूँ मैं, प्रोडक्ट कर देता हूँ, क्या कर देता हूँ मैं इसकी प्रोडक्ट कर दे, क्या आ जाएगा, पी की पी में पी स्क्वायर और क्यू की कीमत 0 आ गया, फिर पी क्यू की मैं पी क्यू क्या कहे, पी की कीमत पी क्यू और क्यू की वन में क्यू प्लस के क्यू, सिमिलरली इस तरह ही दैट इज 0 1 की इसमें 0 आ गया, ये 0 आ गया, फिर 0 की वन में क्या आएगा, क्यू की 0 और क्यू वन, ये आ गया पी क्यू प्लस क्यू, क्या आ गया, ये आ गया पी क्यू प्लस क्यू। सिमिलरली ए क्यू, ए क्यू क्या आ जाएगा, ये ए मल्टीप्लाई ए स्क्वायर, ए मल्टीप्लाई ए स्क्वायर, ए ए की वैल्यू क्या आ गई, पी क्यू 0 1, ए स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई, पी स्क्वायर, इन दोनों में क्यू कॉमन ले लूंगा, तो क्या आ गई पी प्लस 1 इंटू 1 ये आ गई, फिर इसकी क्या आ गई, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करूंगा, पी की पी में पी क्यूब, पी की पी में पी क्यूब, क्यू क्यू में क्या आ गया 0 आ गया, पी क्यूब क्यू की क्यू में 0 आ गया, इस तरह इसकी इसमें क्या आ जाएगा, पी क्यूब पी की इसमें पी क्यू, क्यू की इसमें 0 आ गया, फिर इसमें क्या आ गया, पी की क्या आ जाएगा, पी क्यू
q प्लस जीन्स पे क्या आएगी? जीरो की इसमें क्या आएगी? जीरो, वन की इसमें जीरो, जीरो की इसमें जीरो, वन की इसमें वन। याद सिमिलरली ए की पावर फोर, ए की पावर फोर क्या आ जाएगा यहां से? ए मल्टीप्लाई ए की पावर थ्री, इसकी पावर ए की पावर थ्री क्या आ जाएगा? पी क्यूब क्या आ जाएगा यहां से? पी क्यूब जीरो। यहां पे फिर मैं दोनों में क्या कॉमन ले लूंगा? क्यू कॉमन ले लूंगा, दोनों में क्या कर ले लूंगा? क्यू कॉमन ले लूंगा, क्या आ गया? क्यू कॉमन लेके क्या बच जाएगा? ई प्लस वन आते हैं, क्यू कॉमन लेके क्या आ जाएगा यहां से? पी स्क्वायर प्लस पी प्लस वन अपॉन वन। अब इसकी ये सीरीज आ गई, देखो एक से क्या आ गई, ए स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई? क्यू बार पी प्लस वन। फिर दोबारा अगर यहाँ स्क्वायर है, स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई है? क्यू पी प्लस वन, क्यू की आ गई पी स्क्वायर पी प्लस वन, पी स्क्वायर पी प्लस वन। इस तरह सिमिलरली इससे क्या जाएगा? सिमिलरली इससे क्या जाएगा? ये देखो भाई, यहाँ ए क्यूब था तो यहाँ क्या आ गया? पी क्यूब आया, और ए तो आएगा, ए की वैल्यू क्या आ जाएगा? ए की पावर फोर इक्वल टू ए मल्टीप्लाई ए की पावर थ्री। ए की वैल्यू रख दूंगा पी क्यू जीरो वन, इसकी वैल्यू मल्टीप्लाई करेंगे क्या आ जाएगा यहाँ से? यहाँ ए स्क्वायर था तो यहाँ पी स्क्वायर, ए क्यूब था तो यहाँ पी क्यूब, ए की पावर फोर है तो क्या आएगा? पी की पावर फोर। यहाँ जीरो आना है तो जीरो जाना है। अच्छा अब यहाँ पे क्या था? ए स्क्वायर है तो क्या आ गया? क्यू पी प्लस वन। ए क्यूब है तो क्या आएगा? क्यू पी स्क्वायर प्लस पी प्लस वन। ए क्यूब की है तो क्या आएगा? क्यू पी क्यूब प्लस पी स्क्वायर प्लस वन है। क्यू आ जाएगा पी क्यूब प्लस पी स्क्वायर प्लस पी प्लस वन इक्वल टू जीरो, ये आ जाएगा। ठीक, ये आ जाएगा। अच्छा अब है एक, अच्छा अब ए की पावर एट, ए की पावर एट, ए की पावर एट में क्या आ जाएगा? ये सिमिलरली ए की पावर एट वी है, क्या आएगा यहाँ? ए की पावर एट में पी की पावर एट, पी की पावर एट इधर क्या आएगा? यहाँ क्यू बाहर जाएगा, यहाँ से क्या जाएगा अंदर से? पी की पावर सेवन क्या आएगा? यहाँ से एक कम आ गया, पी की पावर सेवन, पी की पावर सिक्स अप टू वन, अप टू वन। यहाँ नीचे क्या आएगा? जीरो अब टू वन। देखो ए की पावर एट तो जीवित में आ गया, ए की पावर एट क्या इक्वल हो गया? ये तो पी की पावर एट तो जीवित में, ये है पी की पावर सी, दैट इज जीपी, दैट इज जीपी, जीपी इज देर इज कॉमन रेशियो इज पी की पावर सिक्स अपॉन पी की पावर सेवन, यानी टी टू अपॉन टी वन, यानी पी की पावर सिक्स अपॉन पी की पावर सेवन अपॉन पी की पावर सिक्स, क्या गया पी, क्या गया ये पी, तो क्या गया ए आर की पावर एन माइनस वन अपॉन वन।
ये क्या आएगा, ये होते हैं ना जो फॉर्मूले लगता है, ए ये है आर की पावर एन माइनस वन अपॉन आर माइनस वन ए, ये फॉर्मूले लगता है ये। ये तो लगता है। ठीक, तो ये क्या आ जाएगा, क्यू पी की पावर एट माइनस वन अपॉन पी माइनस वन पी टू वेन, दैट इज फोर। याद है ए आर पावर एन माइनस वन अपॉन आर रूट क्यू में से बहुत है। ठीक है, तो क्या है ये, एक कोई मैट्रिक्स ए गिवन थी, इस तरह की गिवन थी, और ये निकालनी थी इसकी वैल्यू ए की पावर एट की, ए की पावर एट की वैल्यू निकालनी थी कि ये होगी, ए की पावर एट की वैल्यू ये होगी, क्या निकालनी थी, ये क्यू पी की पावर एट माइनस वन अपॉन पी माइनस वन, ये निकालनी थी। इसके लिए निकालने के लिए क्या करूंगा, मैं पहले ए स्क्वायर की वैल्यू निकाल लूंगा, ए स्क्वायर इक्वल टू ए मल्टीप्लाई है, ए स्क्वायर की वैल्यू ये आ गई, ए स्क्वायर की वैल्यू ये आ गई, ये यानी क्यू पी प्लस वन, सिमिलरली ए क्यू ए मल्टीप्लाई ए स्क्वायर, ये करिए इसकी वैल्यू क्या आ गई, ये आ गई, ये आ गई, या क्यू को मिल जाएगी, ये कहते हैं या ये कहते हैं एक ही बात है ये। और इस फिर ए फोर की वैल्यू ए मल्टीप्लाई ए, ये आ गई, सबको क्या कर लूंगा मैं, सिमिलरली ये ए की पावर एट आ जाएगी, क्या आएगी, ए की पावर एट आ जाएगी, ये क्या आएगी, ए की पावर एट आ जाएगी, ए की पावर एट आ जाएगी, ये भी जीरो कर दूं, ये भी जीरो कर दूं, ये जीरो, क्योंकि जितनी भी पावर आ रही है, स्क्वायर है तो स्क्वायर आ रही है, क्यूब है तो पी की पावर क्यूब आ रही है, तो इसलिए ए की पावर एट, एक पावर एट जीरो वन आ ही रहा है यहाँ, तो इसे आ गया पी की पावर सेवन पी की पावर सिक्स, ये इसका ज्योमेट्रिक में आ गई, इसका सब निकाल लिया, ये आ गया, तो दैट इज सोल्व, पी ए इक्वल टू क्या गया, ए की पावर एट इक्वल टू पी की पावर एट क्यू पी की पावर एट माइनस वन अपॉन पी माइनस वन। ठीक है भैया, आगे बढ़े, शो दैट द सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन, शो दैट सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन, शो दैट सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन एक्स वाई जेड टी इक्वल टू का स्क्वायर इक्वल टू जीरो इज एक्स वाई जेड टी इक्वल टू एक्स वाई जेड टी इक्वल टू प्लस माइनस अल्फा बीटा प्लस माइनस
अल्फा बीटा माइनस बीटा अल्फा अल्फा बीटा प्लस माइनस में। ये वेयर अल्फा बीटा इज ऑर्बिटेटिंग, वेयर अल्फा एंड बीटा आर आर बी ठीक है भाई। देखो ये क्या है, ये क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है कि एक्स वाई जेड टी इक्वल टू जीरो है और एक्स वाई जेड टी इज सच दैट, इस तरह का है वियर अल्फा, तो इसका जो है सोल्यूशन इस तरह का है, क्या इसका सोल्यूशन इस तरह का है। अच्छा पहले जो ये हम दे रखा है क्या गिवन है, गिवन क्या है, गिवन है ये एक्स वाई जेड टी इक्वल टू जीस, ये भाई गिवन है। एक्स वाई जेड टी इक्वल टू जीरो है, इसे दो बार किसे क्या लिख सकता हूं, मैं लिख सकता हूं एक्स वाई जेड टी एक्स वाई जेड टी इक्वल टू एक्स की एक्स में क्या आ गया एक्स स्क्वायर वाई की जेड में वाई जेड एक्स की वाई में एक्स वाई वाई की टी में वाई टी इसी जेड की एक्स में एक्स जेड जेड की जेड में एक्स की जेड में एक्स जेड जेड की टी में जेड टी इस तरह जेड की वाई में जेड वाई और जेड की टी में जेड ठीक है। और जब ये जीरो जीरो है इसको जीरो जीरो पे ये लिख दूंगा मैं मैट्रिक्स को, इसे लिख दूंगा जीरो 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 जीरो, इसे लिख दूंगा मैं जीरो 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 जीरो। ठीक है भैया, ये दो मैट्रिक्स हैं, देर आर टू मैट्रिक्स आर इक्वल देन देयर कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट विल बी इक्वल, तो क्या जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई जेड, क्या जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई जेड इज इक्वल टू जीरो, यहाँ से क्या जाएगा एक्स वाई प्लस वाई टी, क्या जाएगा ये वाई दोनों में कॉमन ले लूंगा, क्या जाएगा एक्स प्लस टी इज इक्वल टू जीरो, यहाँ से क्या ले लूंगा दोनों में जेड भी कॉमन ले लूंगा, दोनों में क्या कर लूंगा जेड कॉमन लेके एक्स प्लस टी इक्वल टू जीरो, इन दोनों से क्या कॉमन ले लूंगा मैं जेड कॉमन लेके क्या आ जाएगा वाई प्लस टी इक्वल टू जीरो। वाई जेड प्लस टी स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर क्या आएगा टी स्क्वायर इक्वल टू जीरो। ये पहली आ गई क्वेश्चन, ये सेकंड आ गई, ये थर्ड आ गई, ये क्या आ गई फोर्थ। अब मैं क्या करता हूं बाई फर्स्ट एंड फोर्थ, बाई फर्स्ट एंड फोर्थ एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या आ जाएगा टी स्क्वायर, एक्स स्क्वायर इक्वल टू बाई वी हैव बाई इक्वेशन फर्स्ट एंड फोर्थ, फर्स्ट एंड फोर्थ के लिए क्या आएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई जेड, ये दोनों से वाई से वाई जेड, तो क्या आएगा एक्स स्क्वायर इक्वल टू टी स्क्वायर इफ इम्प्लाइज दैट एक्स प्लस माइनस एक्स इक्वल टू प्लस माइनस रूट टी,
अब दो कंडीशन, एक्स इक्वल टू प्लस माइनस टी वही, एक्स माइनस प्लस माइनस टी। देखो एक्स के साथ दो कंडीशन हो गई, एक तो एक्स प्लस के टी हो, एक माइनस के टी हो। इफ एक्स, फर्स्ट कंडीशन है इफ एक्स इज इक्वल टू टी, इफ के फर्स्ट, इफ एक्स इज इक्वल टू टी, एक्स इज इक्वल टू टी आ गया तो क्या आएगा, वाई इंटू टू टी, वाई इंटू टू टी इज इक्वल टू जीरो। देखो क्या आ गया, वाई इंटू क्या आएगा, ये हमारे वाई इंटू टी प्लस टी इज इक्वल टू जीरो, ये कह रहा है टू टी वाई इज इक्वल टू जीरो। इट इंप्लाइज दैट इन एट लीस्ट वन ऑफ देम जीरो, द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर थ्री नंबर इज जीरो, एट लीस्ट वन ऑफ देम जीरो। इफ टू नेवर टू विल बी जीरो, इज द टू नंबर, देन प्रोडक्ट टी नॉट जीरो, सो वी इट इंप्लाइज दैट वाई इज इक्वल टू जीरो, वाई इज इक्वल टू जीरो। यहाँ से क्या आ जाएगा, वाई इज इक्वल टू जीरो, और सच दैट इफ यू इंप्लाइज दैट जेड इज इक्वल टू जीरो, वाई इक्वल टू जीरो एंड जेड इज इक्वल टू जीरो। क्या जाएगा, वाई इज इक्वल टू जीरो, जेड इज इक्वल टू जीरो। जब वाई इज इक्वल टू जीरो हो गया, जेड इज इक्वल टू जीरो हो गया, इट इंप्लाइज दैट एक्स विल बी द, देन वाई फर्स्ट, वाई फर्स्ट एक्स विल बी। अच्छा ये तो आ गई, अगर इफ केस एक्स इक्वल टू टी है तो एक्स की वैल्यू भी जीरो हो जाएगी, वाई की वैल्यू भी हो जाएगी, जेड की वैल्यू भी जीरो आ जाएगी। लेकिन अब एक्स की वैल्यू कितनी मान लेता हूं मैं, माइनस टी, इफ एक्स की वैल्यू कितनी मान लेता हूं मैं, माइनस टी, एक्स इक्वल टू क्या मान लेता हूं मैं, माइनस टी मान लेता हूं। x इक्वल टू टी मान के क्या आएगा, यहां पे x की वैल्यू t रख के बाई सेकेंड और थर्ड से क्या आ गया, अगर मैं y की वैल्यू को इसको बीटा मान लू, y की वैल्यू को क्या मान लू मैं, लेट टेक वी, वी टेक वी हैव y इक्वल टू माइनस बीटा, दैट इज इक्वल टू एल्फा, दैट इज इक्वल टू एल्फा है, y इक्वल टू बीटा, दैट इज इक्वल टू क्या मान लिया है, एल्फा मान लिया, और x की वैल्यू, अच्छा और x की वैल्यू क्या है, माइनस टी आ गया, x की वैल्यू क्या आ गई, माइनस टी आ गया, x की वैल्यू क्या आ गई, टी। तो एक्स स्क्वायर क्या आ जाएगा यहां पे, एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या आ जाएगा, फ्रॉम फर्स्ट एक्स स्क्वायर इक्वल टू बाई माइनस वाई जेड, एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस y की वैल्यू माइनस बीटा, z की वैल्यू अल्फा, बाय इक्वेशन फर्स्ट। x z इक्वल टू अल्फा बीटा, x इक्वल टू प्लस माइनस अल्फा बीटा, एक्स की वैल्यू क्या होगी, बीटा, और एक्स की वैल्यू माने क्या मान की मैंने, एक्स की वैल्यू इफ, एक्स की वैल्यू क्या मान की टी, एक्स की वैल्यू क्या मान की इसने टी मान रखी है, एक्स की वैल्यू क्या मान की है टी मान रखी है, इक्वल टू माइनस टी, इक्वल टू माइनस टी, एक्स की वैल्यू क्या मान की है इन्होंने, माइनस टी।
तो यहाँ से प्रूव कर दो भाई, देखो यहाँ रखो एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये आ गई है प्लस माइनस अल्फा बीटा, वाई वाई की वैल्यू क्या आ गई माइनस बीटा, जेड की वैल्यू इफ वी हैव वी इफ वी हैव टेकन वी हैव इसमें वैल्यू रख दूंगा मैं, एक्स की वैल्यू कितनी आ गई भैया, एक्स की वैल्यू कितनी आ गई है अल्फा, एक्स की वैल्यू कितनी मान रखी है मैंने एल्फ, एक्स की वैल्यू मैंने आ गई अल्फा बीटा, ये है एक्स वाई जेड पी है भैया इक्वल टू क्या आ गया एक्स, एक्स की वैल्यू क्या आ गई प्लस माइनस क्या आ गई इसकी, एक्स की वैल्यू क्या आ गई प्लस माइनस ये रहा प्लस माइनस अल्फा बीटा वाई, वाई की वैल्यू कौन सी मान रखी है मैंने माइनस बीटा, जेड 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 की वैल्यू क्या आ गई इसमें अल्फा, और ये टी है टी की वैल्यू है अल्फा बीटा, ये है माइनस टी, तो इसका उल्टा आ जाएगा क्या आएगा इसका, इसका ये उल्टा है इसमें क्या आएगा माइनस प्लस याद है। क्या क्वेश्चन है भैया ये देखो भाई क्या क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन ये था अगर मान लिया कोई एक एक कोई सॉल्यूशन है ये एक्स वाई जेड टी का स्क्वायर इक्वल टू जीरो, सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन था क्या था ये एक्स वाई जेड टी इक्वल टू ये था, तो उसको प्रूव करना था ये इसका सॉल्यूशन, ये इसका ये अल्फा बीटा ये आर बीटा कोई नंबर है ये थे प्रूव करना था, ये क्या करना था ये प्रूव करना था। अच्छा मुझे क्या करा है, अब सबसे पहले मैंने क्या करा है, ये गिवन है कि ये इक्वल टू जीरो, ये इक्वल टू क्या लिख लिया मैंने जीरो इक्वल, तो इसको यानी ए स्क्वायर को ए मल्टीप्लाई ए कर लूंगा दो बार लिख लिया इसको ये, और जीरो को जीरो 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 करके लिख लिया, क्योंकि ये जो है जीरो ये 2x2 की मैट्रिक्स है इसको भी 2x2 में लिखने के लिए ये जीरो जीरो फॉर्म में लिख दें, अब इन दोनों ने क्या कर ली ये भी 2x2 की है स्क्वायर, ये भी 2x2 की मल्टीप्लिकेशन एग्जिस्ट हो जाएगा, एग्जिस्ट हो जाएगा, तो इसकी दोनों की क्या कर लिया ये इसकी प्रोडक्ट कर ली, जब इनकी प्रोडक्ट कर ली तो ये आ गया, तो ये दोनों जो है कोरस्पोंडिंग मैट्रिक्स आ गए, कोरस्पोंडिंग मैट्रिक्स के जो इफ टू मैट्रिक्स आर इक्वल देन देयर कोरस्पोंडिंग एलिमेंट विल बी इक्वल, तो इनके जो है कोरस्पोंडिंग एलिमेंट क्या आ जाएंगे इक्वल आ जाएंगे, तो ये इसके इक्वल ये इसके इक्वल ये इसके इक्वल ये इसके इसकी इक्वेशन बना ली फर्स्ट सेकंड ठीक। अब मैंने क्या करा फर्स्ट एंड फोर्थ को देके इन्हें दोनों को देखो ये भी ये दोनों इनकी जो क्या है आर एच एफ इक्वल है तो इनकी एल एच एफ इक्वल होगी, वाई जेड एक्स स्क्वायर इक्वल टू टी स्क्वायर आ गया, एक्स की वैल्यू प्लस माइनस टी आर, तो दो कंडीशन बन गई है वी हैव टू कंडीशन दैट एक्स की वैल्यू इज प्लस टी और एक्स की वैल्यू क्या आ गई यहाँ से माइनस टी, दो अगर पहले चेक करता हूं मैं एक्स इक्वल टू टी, एक्स इक्वल टू टी, एक्स इक्वल टू टी रख के यहाँ क्या आ जाएगा टू टी वाई, द प्रोडक्ट ऑफ थ्री नंबर इज टू जीरो हो नहीं सकता, टी भी जीरो नहीं है तो वाई इक्वल टू जीरो, then y equal to 0 in similarly from the third we have put f equal to t then we have the z is equal to 0 if y is equal to 0 z is equal to 0 then kya jayega yahan x square plus 0 kya jayega yahan x square plus 0 is equal to 0 x square is equal to 0 or x is equal to 0 we have y is equal to 0 z is equal to 0 and x is equal to 0 ab hai k second kya hai ye K second क्या था ये एक्स की इक्वल टू क्या है माइनस टी, एक्स इक्वल टू माइनस टी है और एक्स इक्वल टू माइनस टी है, इससे पहले हम क्या कर दो अपनी तरफ से मान लेता हूँ एक दैनी वैल्यू वाई इक्वल टू क्या मान लिया मैंने माइनस बीटा और जेड इक्वल टू अल्फा, अब इस मैंने इक्वेशन को ले लिया एक्स इक्वल टू प्लस वाई जेड, एक्स इक्वल टू इधर से क्या आ गया वाई माइनस जेड, वाई माइनस जेड तो वाई और जेड की मैंने यहाँ वैल्यू लिख दी, एक्स स्क्वायर क्या आ गया अल्फा बीटा दोनों तो स्क्वायर रूट ले लिया, एक्स बराबर क्या आ गया प्लस माइनस अल्फा बीटा, प्लस माइनस क्या आ गया अल्फा बीटा, और रूट एक्स की वैल्यू कितनी माननी थी मैंने टी की इक्वल माननी थी, थी यहां से आई थी
एक्स इक्वल टू क्या आ गया, रूट अल्फा बीटा इक्वल टू माइनस टी। देखो भाई यहां है ठीक है भाई, तो अब यहां जो है फिर है फिर मुझे यही इसकी वैल्यू निकालनी थी। एक्स एक्स की वैल्यू रखी है क्या रखी है, पहले मैंने वो अल्फा बीटा। वाई वाई की वैल्यू क्या रखी है ये भाई, वाई की वैल्यू क्या रखी है ये मान ली माइनस बीटा। फिर जेड जेड की वैल्यू क्या मान लिया है मैंने अल्फा। यहां ये जो है टी है ये प्लस का है और यहाँ क्या है ये माइनस क्या है, तो इसी लिखे इसके साइन भी क्या आ जाएगा, यहाँ प्लस माइनस है तो उसका उल्टा ही आएगा माइनस प्लस। ठीक आगे इंटरेस्टेंड आगे बढ़े भाई आगे समझ में। देखो देखो अभी मैंने भी सुबह ही बताया था, जैसे ए इक्वल टू क्या होता है, मान लिया कि ए मैट्रिक्स है, ए मैट्रिक्स क्या है, ए मैट्रिक्स का ऑर्डर है एम क्रॉस एन, एक ए मैट्रिक्स है ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स, ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स, ए मैट्रिक्स एम क्रॉस एन, ऑफ ऑर्डर ऑफ बी मैट्रिक्स कितना है मान लिया ऑर्डर ऑफ बी मैट्रिक्स है एन क्रॉस पी, यानी कि ये क्या है ये रो है इसमें ये कॉलम है ये रो है, तो ए भी एग्जिस्ट करेगा नहीं यहां ए भी, यदि ए भी का ऑर्डर क्या होगा ऑर्डर ऑफ ए बी मैट्रिक्स, ऑर्डर ऑफ ए बी मैट्रिक्स, ऑर्डर ऑफ ए बी मैट्रिक्स है क्या आ जाएगा ये देखो भाई, इसके एन के एन क्या आ जाएगा एम क्रॉस पी, क्या आ जाएगा ये एम क्रॉस पी आ जाएगा, ऑर्डर ऑफ ए बी मैट्रिक्स आ जाएगा एम क्रॉस पी, एम रो और एम क्रॉस ए कॉलम है जो कि इसकी कॉलम इसकी रो। अच्छा ऑर्डर ऑफ ए बी क्या आएगा ऑर्डर ऑफ बी ए, ऑर्डर ऑफ बी ए, देखो इसका अब बी ए पहले बी का ये निकालेंगे, इसका इसका क्या है एन क्रॉस पी, इसका कितना है एम क्रॉस एन, इसकी रो इसके कॉलम के इक्वल है ही नहीं, तो हैंस बी ए नॉट एग्जिस्ट, बी ए नॉट लिखेंगे बी ए नॉट एग्जिस्ट, वही है कि इफ वी हैव टू मैट्रिक्स, इफ वी हैव टू मैट्रिक्स दैट इज नॉट नेसेसरी इफ देयर If we have to matrix A and B, if there exists the product of AB, then it's not necessary there will be exist BA. So hence A, hence AB is not equal to BA. That is AB is not equal to BA. It is such that type is commutative property. In the addition of commutative property, the product of the matrix were not necessary then the commutative property are their exists. ये इसकी जो है मैट्रिक्स की ये प्रॉपर्टी है, कल को हम जो है इसका जो है इंग्लिश शुरू करेंगे, क्या करेंगे शुरू द प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है भाई आज के लिए इतना ही है, नेक्स्ट टर्न पे कल मिलते हैं ठीक है भाई, ठीक है थैंक्स फॉर ऑफ यू।